गुड इवनिंग, स्वागत करते हैं अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो पर। तो दुर्गा पूजा और नवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज फिर से और आप लोगों को बेहतरीन दुर्गा पूजा पंडाल दिखाते हैं। तो चलिए आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए और कहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल दिखाएंगे वहाँ जाके आप लोगों को। अच्छा चलिए आप लोगों को बता देता है, आज एग्रीको का दुर्गा पूजा पंडाल दिखाएंगे, बहुत खूबसूरत से बनाया गया है। तो चलिए आप लोगों को डायरेक्ट एग्रीको लेके चलते हैं और वहाँ का दुर्गा पूजा पंडाल दिखाते हैं। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। फाइनली पहुंच गए एग्री को। तो इसने भी हमको वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि गाना बज रहा था, देख सकते हैं। पहले भी हम बना दिए थे कि ये पिकॉक बनने वाला, नेशनल वर्ड हम लोग का बनने वाला है। तो ये पिकॉक का दुर्गा पूजा पंडाल बना है, बहुत खूबसूरत से बनाया गया है ये दुर्गा पूजा पंडाल पिकॉक का, नेशनल वर्ड का। तो पहले भी दिखा चुके, तो चलिए यार आप लोगों को आज सुंदरता का इसका दिखाते हैं कितना खूबसूरत से बनाया गया है एग्री को। अगर नहीं आए तो यहाँ एग्री को जरूर घूमने आइए, सबसे अलग सबसे डिफरेंट ये दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है एग्रीको का। हर जगह तो मंदिर वगैरह ही दिख रहा है, यहाँ पिकॉक का बहुत सुंदर और ये बांस वगैरह से बनाया गया है, ऐसे कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं लगाया गया लेकिन बहुत खूबसूरत से बनाया गया है यहाँ पिकॉक का दुर्गा पूजा पंडाल देखने। और यहाँ सब भीड़ भी बहुत है और आप लोग नहीं आए तो यहाँ ज़रूर घूमने आइए एग्रीको। जैसे कि सिद्धगुड़ा वगैरह आए तो यहाँ भी ज़रूर दर्शन करते हुए जाइएगा क्योंकि बहुत खूबसूरत से बनाया गया, हमको बहुत पसंद आया। जैसे कि मलखान सिंह वगैरह हुआ उससे भी और अच्छा लगा क्योंकि लुक इतना सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा लगा इसका लुक देखकर। और बांस वगैरह से ही बनाया गया है, ज़्यादा कुछ तमझम नहीं है इसमें। और अंदर का सीन तो और खूबसूरत है लेकिन बाहर का थोड़ा आप लोगों को नज़ारा दिखा दे रहा है, इस तरह का है ये देख सकते हैं पिकॉक, कितना बड़ा पिकॉक बनाया गया है। और पिकॉक का ये दुर्गा पूजा थीम बनाया गया है यहाँ एग्रीको का। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पिकॉक का। और देखिए देखने वाला भी यहाँ सबको यहाँ आते हैं, आप लोग भी आइए। अगर यहाँ घूमने नहीं आए तो ज़रूर आप लोग भी आइए और यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल देख के जाइएगा। तो थोड़ा सा इधर उधर आप लोगों को दिखा दे रहे पिको का, हम लोग भीड़ देख सकते हैं भीड़ कितना है। देख थोड़ा अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत है थोड़ा बहुत, लेकिन देखने में बहुत मस्त है, बहुत मस्त बोलने से बहुत ही मस्त है। और देखिए भीड़ क्योंकि अष्टमी था तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ था। और चलिए आप लोगों को और थोड़ा दिखा देते हैं अंदर का, अंदर जाने वाले देखिए कितना भीड़ है। हम लोग भी थोड़ा लाइन लगना पड़ा तो लाइन लगते हुए जा रहे हैं। और ये देखिए भीड़, इसको पिकॉक को देखने के लिए किस तरह भीड़, ये दुर्गा पूजा पंडाल है। और चलिए आप लोग को अंदर दिखाते हैं, अंदर का सीन तो और खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग्जरी टाइप का दिखाई दिया मेरे को। और बांस के अंदर ये जो बांस में छोटा छोटा कटिंग करके बनाया गया उसमें लाइट वगैरह लगाया, चमक इसका बहुत सुंदर था। ये ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया गया लेकिन वो छोटा छोटा हल्का वर्क किया गया उसी से इतना खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए बांस वगैरह लगाया गया है और उसके अंदर ये लाइट फिट के, तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। अगर आप लोगों को दिख पा रहे हैं या दिखाई दे रहा है तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए और आप लोगों को माता से भी दर्शन करा देते हैं।
तो ये दुर्गा पूजा के साथ साथ यहाँ मेला भी होता है, ये देखिए झूला वगैरह भी है, मौत के कुआं भी आया, तो ये बच्चे लोग का खिलौना वगैरह भी है बहुत बड़े। ये भी हम दिखाए थे पहले, ये यहाँ ग्राउंड था, ग्राउंड के अंदर ये मेला वगैरह होता है। ये देखिए ये है मौत का कुआं वगैरह आया है, बहुत सारा बिजली झूला भी आया है, ब्रेक डांस वगैरह भी आया है। अगर बच्चे लोगों को घुमाना तो यहाँ भी आ सकते हैं, ये बच्चे लोगों का एंजॉय करने के लिए भी बहुत अच्छा है। देख सकते ब्रेक डांस है, झूला, हर जगह उतना बड़ा बड़ा मेला तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा ग्राउंड बड़ा था तो इसीलिए इसमें आया है। और ये देखिए ड्रैगन, ये ब्रेक डांस है, ब्रेक डांस का भी लुत्फ़ तो उठाइए आप लोग, देखिए। और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मेला का, थोड़ा सा आप लोगों को भी दे देते हैं जानकारी। मेला भी होता है, अगर झूला वूला झूलना होता है तो ये देख से ये भी बिजली झूला भी है। और दिखाते हैं कुछ आप लोगों को, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ये साइड एंगल से, ये पीकॉक का दुर्गा पूजा पंडल देख, देखिए साइड एंगल से भी कितना खूबसूरत दिख रहा है पीकॉक का ये दुर्गा पूजा पंडल। और तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे, यहाँ आए तो ज़रूर यहाँ कैली को आना, दर्शन करके जाना। ये देख सकते साइड एंगल का भी है, तो चलिए और कुछ आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए बच्चे लोगों का ट्रेन वगैरह भी है, तो सब प्रकार का यहाँ अवेलेबल है, देखने लायक बहुत कुछ, सब कुछ यहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, झूला वगैरह भी मिल जाएगा, माता से भी दर्शन होगा, पंडाल भी देख सकते हैं। तो ये देखिए बच्चे, थोड़ा सा इसका भी क्लिप उठाए थे आप लोगों को, तो ये देखिए बिजली झूला, पहले तो चल नहीं रहा था तो अभी थोड़ा बहुत चल रहा था तो आप लोग को दिखा दे रहे हैं। और आज का इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, ये ब्लॉग लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा इसी को कई दोबारा आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ ज़रूर आना घूमने के लिए, एग्री को दुर्गा पूजा पंडाल की बहुत खूबसूरत से बनाया। तो चलिए और मिलते हैं एक दूसरा नया वीडियो पर, ओके बाय।